हेलो एवरीवन, वेलकम टू बरवाना एजुकेशन फॉर जी मैट एंड कैट। माई सेल्फ चंद्रवान सिंह एंड ए क्वांट फैकल्टी। टूडेज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन परमुटेशन अरेंजमेंट। ओके, क्वेश्चन सेइंग इज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड बाई यूजिंग ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इज मिसिसिपी। ओके, जो मिसिसिपी वर्ड है, जो मिसिसिपी वर्ड है, इसमें जो लेटर है, इन लेटर से कितने टोटल वर्ड बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर? तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें काउंट करो, टोटल टोटल लेटर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऑल राइट, टोटल लेटर कितने हैं, 11। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो 11 फैक्टोरियल होगा, राइट? अरेंजमेंट कितना होगा, 11 फैक्टोरियल। व्हाट? ये क्वेश्चन ए लाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है। इस क्वेश्चन में किसका अरेंजमेंट है, ए लाइक ऑब्जेक्ट। ए लाइक ऑब्जेक्ट मींस कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो सेम है और मोर देन वन टाइम रिपीट है। इसमें कौन है, आई है फर्स्ट, कितने टाइम्स रिपीट है, 4 टाइम्स। एस है, कितने टाइम रिपीट है, 4 टाइम्स। पी, तो इसमें कुछ लेटर ऐसे हैं जो मोर देन वन टाइम रिपीट है, जो एलाइक ऑब्जेक्ट है। तो एलाइक ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट के लिए फाइनली हमको क्या करना होता है, उस पार्ट को और समझिए। इसमें एस कितने टाइम्स है, एस कितने टाइम है, 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स है तो हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स है तो हमें डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ऑल राइट, इसमें आई कितने टाइम्स है, आई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। आई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ऑल राइट, इसमें पी कितने टाइम्स है, पी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, ये 2 किसके लिए, पी के लिए, ये 4 किसके लिए, आई के लिए, ये एस, 4 किसके लिए, एस के लिए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, एक फॉर्मूला की तरह कुछ लिखवा रहा हूँ, आप उस फॉर्मूला को समझना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसी फॉर्मूला से आप। मैं बोल रहा हूँ कोई एक वर्ड होगा, उस वर्ड में ए सपोज कीजिए ए बी सी डी कुछ लेटर होंगे, तो उसमें कोई एक लेटर एम टाइम्स रिपीट हुआ, कोई एक लेटर एम टाइम्स रिपीट हुआ है। आप लेटर ए सपोज कर सकते हैं, ए एम टाइम्स रिपीट हुआ है। कोई और लेटर होगा, सेकेंड लेटर, जैसे बी, बी कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, एन टाइम्स रिपीट हुआ है। पी कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, एन टाइम्स। कोई और लेटर होगा पी, ठीक है, आप सी सपोज कर सकते हैं, सी पी टाइम्स रिपीट हुआ है, सी पी टाइम्स रिपीट हुआ है। कोई और लेटर होगा आर, ठीक है, जैसे कोई और लेटर होगा तो वो आर टाइम्स रिपीट हुआ है, जैसे डी है वो आर टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से इसको डील करेंगे, एज ए ट्रिक, एज ए फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ। ऑल राइट, इसमें टोटल लेटर कितने हैं, एम प्लस एन प्लस एम प्लस एन प्लस पी प्लस आर, टोटल लेटर कितने, एम प्लस एन प्लस पी प्लस। ऑल राइट, तो इतना फैक्टोरियल हो जाएगा, इतने अरेंजमेंट हो जाएंगे, जितने लेटर होंगे, जितने लेटर होंगे उतने अरेंजमेंट हो जाएंगे। ऑल राइट, लेकिन ये एलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, लेकिन ये एलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई लेटर है वो एम टाइम्स रिपीट है तो हमें डिवाइड बाई एम फैक्टोरियल। सेकंड लेटर है, अनदर लेटर है, एन टाइम्स रिपीट है। कोई और लेटर है वो पी टाइम्स रिपीट है। कोई और लेटर है वो आर टाइम्स रिपीट है, तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये हमारा ट्रिक बन गया, फॉर्मूला बन गया। आई होप इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर। ऑलराइट, क्लियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वो आप खुद आपके लिए है, आप उसको सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी टीम ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करेगी, ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर बताएगी, ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक वर्ड है मैथमेटिक्स, जैसे मिसिसिपी की तरह एक वर्ड है मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स से टोटल कितने अरेंजमेंट और हो सकते हैं, कितने वर्ड और बनाए जा सकते हैं, तो आपको बताना है आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी ई एफ, ये ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन है आपको, इनमें से बताना है कौन सा आपका सही है। मेरी टीम आपके कमेंट का जरूर जरूर रिप्लाई करेगी। ओके, थैंक यू सो मच।